चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि आपको सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स टाइमली मिल सके। सब्सक्राइब द चैनल नाउ। सबका स्वागत है। बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आज आया है एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया से एंड द डेट इज 10/12/2020। आज सुबह ही 10 बजे लाइव सेशन हुआ उनका और उन्होंने काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट्स दिए। हालांकि ये सेशन 3 दिसंबर को होने वाला था लेकिन 3 दिसंबर से पोस्टपोन होके आज 10 दिसंबर को ये सेशन हुआ है। तो आज उन्होंने काफी इंपॉर्टेंट अपडेट्स दिए। बहुत सारे स्पेकुलेशन चल रहे थे, पता नहीं यूट्यूब पे, पेपर्स में, मीडियाज में, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, सब तरफ बहुत सारे स्पेकुलेशन चल रहे थे, लेकिन एजुकेशन मिनिस्टर ने आज वो पूरी चीजें क्लियर कर ली हैं। तो चलो एकदम शॉर्ट में मैं आपको बताता हूँ कि एग्जैक्टली क्या क्या अपडेट्स आई है, क्या न्यू अपडेट्स है एकदम शॉर्ट में। तो अपने मिनिस्टर जो है, तो दैट इज ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल, एंड इन्होंने आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अच्छी चीज की है, दैट इज कि उन्होंने एक लाइव सेशन ले लिया पूरा और उसके अंदर उन्होंने सभी चीजें अपडेट्स एकदम प्रॉपरली, सभी जितने डाउट्स है सभी क्लियर कर दिए। तो देख लेते हैं क्या क्या डाउट्स हैं। सबसे पहला है स्कूल रीओपनिंग। स्कूल रीओपनिंग के बारे में बहुत सारे लोग चिंतित थे, जैसे कि पर्टिकुलरली कॉलेज वाले तो नहीं बट जो स्टूडेंट जो जा रहे हैं स्कूल्स में उनको बहुत दिक्कत थी, उनको जानना था कि स्कूल खुलेंगे नहीं खुलेंगे। तो इसके ऊपर मिनिस्टर ने ये कहा कि स्टेट्स विल डिसाइड। ये सभी कौन डिसाइड करेगा कि स्कूल्स ओपन करने की नहीं, ये स्टेट डिसाइड करेगा क्योंकि हर एक स्टेट केपेबल है सपोज लेट अस से कोविड सिचुएशन डील करने के लिए। तो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन स्टेट्स विल डिसाइड कि हाँ, क्योंकि लोकल सिचुएशंस किसको पता होगा, सिर्फ स्टेट्स को। तो स्टेट्स डिसाइड करेंगे कि स्कूल खोलना है कि नहीं क्योंकि स्टेट को ही पता है इंटरनल सिचुएशन कैसी है। अभी जो मिनिमम जो अभी जो शुरुआत हो गई है तो 17 स्टेट्स में स्कूल शुरू हो चुकी है। द करंट जो कंडीशन है तो दैट इज समथिंग लाइक दिस कि 17 स्टेट्स में स्कूल शुरू हो चुकी है और वहां पर अटेंडेंस जो है फिलहाल वो बहुत ही कम है क्योंकि सभी लोग लाइक थोड़ा सा टेंशन में है कि कोविड की वजह से कुछ स्प्रेड वगैरह हो गया। तो पेरेंट्स भी इच्छा नहीं है पेरेंट्स को भी स्कूल में भेजने को बच्चों को, और बाकी की भी काफी दिक्कत है। तो हेंस मिनिमल अटेंडेंस के साथ, बहुत ही कम अटेंडेंस के साथ 17 स्टेट्स के अंदर स्कूल शुरू हो चुकी है। अदर स्टेट्स जो है, जो बाकी के बचे हुए स्टेट जिसके अंदर स्कूल नहीं शुरू है अभी, तो उसका क्या होगा? तो अकॉर्डिंग टू पैंडेमिक सिचुएशन, वहां पर कोविड की सिचुएशन कैसी है, अकॉर्डिंग टू दैट स्टेट्स डिसाइड करेंगे कि स्कूल्स को रीओपन करना है कि नहीं करना है, या फिर कौन से डेट को करना है, करना भी है कि नहीं वो भी डिसाइड करेंगे, और अगर करना है ऑन मतलब शुरू करना है तो कब शुरू करेंगे वो भी बताएंगे। आफ्टर दैट प्रैक्टिकल एग्जाम के बारे में काफी स्पेकुलेशन चल रहे थे कि कॉलेजेस में, स्कूल्स में प्रैक्टिकल एग्जाम होंगे कि नहीं, कुछ जगह पर हो चुके हैं कि कैसा चल रहा है क्या है। तो कुछ स्कूल के अंदर प्रैक्टिकल एग्जाम शुरू हो चुकी है, मतलब कुछ स्कूल्स ने कंडक्ट भी किया है प्रैक्टिकल एग्जाम्स, लेकिन मिनिस्टर सर ने ये कहा है कि अदर स्कूल्स के अंदर इफ इट नॉट एबल टू कंडक्ट देन विल हैव अल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स। तो उन्होंने ये कहा है कि हो सकता है कि सपोज कोई स्कूल के अंदर अभी तक कंडक्ट नहीं हुआ हो, मतलब स्कूल ही नहीं चल रही है, फिर कॉलेज नहीं चल रहा है ड्यू टू पैंडेमिक सिचुएशन, और कंडक्ट ही नहीं हुए प्रैक्टिकल्स, अगर ऐसा सिचुएशन है तो अल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स बताए जाएंगे। अभी तक उसके ऊपर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है बट उसके लिए कोई अल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स किए जाएंगे अगर आपके स्कूल या कॉलेज में प्रैक्टिकल नहीं हुए, तो अल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स सून विल बी डिक्लेयर्ड बाय द रिस्पेक्टिव बोर्ड्स। नेक्स्ट चीज था सीबीएसई का बोर्ड एग्जाम। सीबीएसई का बोर्ड एग्जाम मतलब होगा नहीं होगा, कब होगा, कैसे होगा, तो सर ने एक चीज बहुत ही कंप्लीट तरीके से एक क्लियर कर दी है कि बोर्ड एग्जाम तो पक्का होंगे, बोर्ड एग्जाम्स आर डेफिनेटली गोइंग टू बी हेल्ड। तो ऐसा नहीं है कि बोर्ड्स का एग्जाम कैंसिल हो रहा है फिर ऐसा कुछ, बोर्ड का एग्जाम होने ही वाला है, ऐसा क्लियर बोला है उन्होंने। लेकिन सेकंड चीज जो बोली गई है वो ये है कि अगर सिचुएशन इंप्रूव नहीं होती है, कोविड की सिचुएशन वैसी ही चलती रहेगी, अगर नहीं इंप्रूव हो रही है, तो मोर टाइम विल बी गिवन फॉर द स्टूडेंट्स, बच्चों को और समय दिया जाएगा पढ़ने के लिए अगर ये सिचुएशन ऐसी कंटिन्यू रहती है। वैक्सीन का भी सबको लेटर से चल रहा है, बहुत सारे स्टेजेस पे टेस्टिंग की जा रही है अलग अलग कंट्रीज में, इवन इंडिया के अंदर भी। और वैक्सीन अगर जल्दी नहीं आती है और सिचुएशन ऐसी ही रहती है तो फिर एग्जाम के लिए बच्चों को एक्स्ट्रा टाइम दिया जा सकता है, फिर हो सकता है कि एग्जाम को पोस्टपोन करें। लेकिन तब तक जब तक सबको लेट अस से सिचुएशन के ऊपर पूरा डिपेंड करेगा कि भाई वो पोस्टपोन करेगी कि नहीं, इट जस्ट डिपेंड्स ऑन द करंट टाइम। तो सिचुएशन अभी तक तो कुछ इंप्रूव नहीं हो रही है, अगर नहीं इंप्रूव होती है कुछ और सपोज से एक दो हफ्ते भर, तो फिर टाइम एक्स्ट्रा दिया जाएगा स्टूडेंट्स को।
तो उसका जो नोटिस है जो जल्द निकला जाएगा सीबीएसई की तरफ से निकाला जाएगा, तो बोर्ड एग्जाम तो पक्का होंगे और सिचुएशन अगर इंप्रूव नहीं होती है तो बच्चों को टाइम दिया जाएगा। सिलेबस रिडक्शन की बात करते हैं। अब सिलेबस रिडक्शन के ऊपर काफी स्पेकुलेशंस थे क्योंकि सिलेबस ऑलरेडी रिड्यूस कर दिया बहुत सारे बोर्ड्स ने, सीबीएसई ने भी, अलग अलग बोर्ड्स ने भी, तो उसके अंदर नया क्या है? तो नया अपडेट एजुकेशन मिनिस्टर ने ये दिया है कि हैज नॉट रूल्ड आउट द ऑप्शन फॉर रिड्यूसिंग सिलेबस। मतलब उन्होंने ऐसा नहीं कहा साफ साफ कि सिलेबस रिड्यूस करना हम लोग कैंसिल कर रहे हैं, उन्होंने कहा है कि सिलेबस ऑलरेडी डिक्रीज है, जैसे कि सीबीएसई ने भी 30% डिक्रीज कर दिया ऑलरेडी। हाँ, तो अभी तक उसको पूरा कैंसिल आउट नहीं किया है, रूल आउट नहीं किया है, लेकिन चांसेस है अगर सबको लेट से कंडीशन इंप्रूव नहीं होती है। व्हाट डू यू मीन बाय कंडीशन इंप्रूव नहीं होती है? इसका मतलब ये है कि बाबा कोविड का सिचुएशन होने की वजह से तुम्हारे यहाँ पे कॉलेजेस स्कूल्स वो नहीं खुल रहे, मतलब ऑफलाइन पीरियड्स नहीं हो रहे। अगर ऐसा ही सिचुएशन चलता रहा कि आपके पास ऑफलाइन पीरियड्स नहीं हो रहे, बहुत सारे एरियाज में ऑफलाइन पीरियड्स नहीं अगर नहीं हो रहे, तो फिर सोच सकते हैं कि सिलेबस रिडक्शन होगा, देन दे विल थिंक। तो रिस्पेक्टिव बोर्ड्स या फिर एग्जामिनेशन कंडक्टिंग एजेंसीज विल बी डिसाइडिंग उसके बाद कि भाई सिलेबस रिड्यूस करना है कि नहीं अगर ऑफलाइन क्लासेस नहीं हो रहे। तो ये तीनों सबके लिए चल रहा है, ये जेई के लिए भी चल रहा है, नीट के लिए भी चल रहा है और सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम के लिए भी चल रहा है सिलेबस रिडक्शन। मतलब हर एक एग्जाम के लिए हो सकता है फिर वो, लेकिन सब कुछ किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा कि ये इंप्रूव होंगी कि नहीं कंडीशंस, मतलब जो कोविड की सिचुएशन है वो इंप्रूव होगी कि नहीं, उसके ऊपर सब डिपेंड करेगा कि जेई का, नीट का, सीबीएसई बोर्ड 10th एंड 12th का सिलेबस डिक्रीज होगा कि नहीं, सभी उसी चीज के ऊपर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट जो है दैट इज अबाउट जेई अटेम्प्ट्स, कि जेई अटेम्प्ट्स भी काफी स्पेकुलेशंस थे कि भाई जेई अटेम्प्ट्स फिलहाल सिर्फ दो हैं, राइट नाउ आप खाली दो बार एग्जाम दे सकते हैं जेई की, लेकिन स्टूडेंट्स से ऐसा डिमांड था 11 मतलब जो एग्जाम दे रहे हैं 12th के, तो वो उनका डिमांड ऐसा था कि जेई का एग्जाम का जो अटेम्प्ट्स है वो बढ़ाया जाए क्योंकि कोविड सिचुएशन की वजह से उनको ठीक से पढ़ने का मौका नहीं मिला था। तो बच्चों का ऐसा बोलना है कि डिमांड है कि जेई के अटेम्प्ट्स जो हैं दो से थोड़े ज्यादा बढ़ जाए, मतलब थोड़े से तीन या फिर चार ऐसा। तो एजुकेशन मिनिस्टर ने भी ये कंफर्म किया है कि अभी उसके ऊपर कंसिडरेशन चल रहा है, मतलब उसके ऊपर डिस्कशन चालू है, द डिस्कशन इज ऑन गोइंग, डिस्कशन चल रहा है। अगर ये डिस्कशन सक्सेसफुल होता है या फिर इफ एवरीथिंग इज डिसाइडेड, तो फिलहाल वो ऐसे ऑप्शन का सोच रहे हैं, एक तो दो से वो तीन अटेम्प्ट कर सकते हैं या फिर दो से चार अटेम्प्ट कर सकते हैं। हाँ, मतलब करंटली दो पे है ना, तो दे माइट चेंज इट टू थ्री अटेम्प्ट्स, दे माइट चेंज इट टू फोर अटेम्प्ट्स, डिपेंड्स, अभी तक उसके ऊपर चर्चा चल रही है, तो जल्द आपको बताया जाएगा कि सपोज अटेम्प्ट्स बढ़ाए जाएंगे कि नहीं। अगर वो बढ़ते हैं तो वो तीन हो सकता है या फिर कितने अटेम्प्ट हो सकते हैं, चार अटेम्प्ट हो सकता है। अब नीट की बात करते हैं, नीट ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा? राइट नाउ नीट जो मेडिकल एग्जाम देते हैं बच्चे, तो नीट का एग्जाम फिलहाल ऑफलाइन मोड पे चल रहा है, तो इट्स पूरा ऑफलाइन मोड पे चल रहा है अभी फिलहाल। लेकिन ऐसा भी डिमांड था बच्चों का कि ऑनलाइन पॉसिबल है क्या, या फिर लोग भी स्पेकुलेशन कि ऑनलाइन मेथड होगा, तो एजुकेशन मिनिस्टर ने साफ साफ कह दिया है कि उसके ऊपर भी बेस्ट सॉल्यूशन फाइंड आउट किया जा रहा है। तो फिलहाल ऑफलाइन मोड पे है, लेकिन इसके ऊपर भी चर्चा हो रही है कि ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करें नीट की या नहीं, तो उसके ऊपर भी एक जल्द फैसला लिया जाएगा। उसके बाद नीट कैंसिल होगी कि नहीं, तो एजुकेशन मिनिस्टर ने सीधा सीधा प्लान कर दिया है, सीधा सीधा बोल दिया कि देयर इज नो प्लान टू कैंसिल नीट। तो नीट को कैंसिल करने का कोई इरादा नहीं है, नीट होगी, एक तो ऑफलाइन नहीं तो ऑनलाइन, ऑफलाइन तो पक्का है लेकिन ऑनलाइन के भी चांसेस हैं, कैंसिल तो पक्का नहीं होगी, ऐसा सीधा सीधा कह दिया है। सो ये रहे थे आज के सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स रिगार्डिंग सीबीएसई एजुकेशन मिनिस्टर की तरफ से। तो आज के जो अपडेट्स थे वो अप्लाई होते हैं जेई को, नीट को, पूरे एजुकेशन सेक्टर को एंड इवन सीबीएसई बोर्ड 10th एंड 12th। आई होप आपको पूरा शॉर्ट में पता चल गया होगा कि आज का जो लाइव सेशन हुआ एजुकेशन मिनिस्टर का, ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर पोखरियाल, तो उनकी तरफ से क्या क्या अपडेट्स आई हैं आपको शॉर्ट में पता चल गया होगा। आई होप चैनल को लाइक करें, ये वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे बढ़िया अपडेट्स आपको टाइमली मिल सके। तो थैंक यू सो मच आज के सेशन के लिए, और आई होप ये वीडियो की वजह से आपको पूरा डिटेल में समझ में आ गया होगा। तो ये शेयर करें वीडियो अपने दोस्तों के साथ, जिनको भी जो भी जेई पढ़ रहे हैं या फिर नीट पढ़ रहे हैं उनको भी भेज दीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है, पता होना चाहिए, तो भेज दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, बाय।